पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए थे भाई, है ना। पिछली वीडियो में हमने 8.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए थे। अब मैं ऐसा करता हूँ, लगातार 4 से 10 तक करा ही देता हूँ, ठीक है, पूरे करा देता हूँ। आप लोगों को 2 बार कम से कम प्रैक्टिस करनी है। एक बार तो मैं यहाँ समझा रहा हूँ, समझ के रफ में करो चाहो तो पहले, और फिर रफ के बाद फेयर में करो, और या फिर आप वीडियो में से सीधा फेयर में उतारो और फेयर के बाद फिर रफ में प्रैक्टिस करो। जो भी हो, 2 बार चाहिए मुझे, ठीक है। जब भी मैं आपके घर पे आऊँगा 2 जगह देखूँगा, ठीक। तो 8.1 का चौथा जो क्वेश्चन है, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ेगा जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई। वैसे तो सरल, थोड़ा ज़्यादा ही सरल है कुछ। घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से, जैसे मान लो घन है, घन का किनारा बढ़ने से मतलब है ये भुजा की लंबाई बढ़ना। जैसे मैं किसी क्षण ये लंबाई L कहूँ ना, तो आपको एक तरह से dl ओवर dt दे दिया है, एक तरीके से dl ओवर dt दे दिया है। कितना है? 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, कह रहा है आयतन किस दर से बढ़ेगा, यानी कि db ओवर dt तुमसे पूछ रहा है, ठीक है। कब? जब, क्या दिया हुआ आपको, जब किनारा 10 सेंटीमीटर हो। जिस टाइम पे लंबाई कितनी हो, 10 सेंटीमीटर हो, ठीक है। तो देखो dl ओवर dt दिया है और db ओवर dt पूछा है। b और l में संबंध स्थापित करके t के सापेक्ष अवकलन कर दो, यही हो जाएगा, ज्यादा छोटा है। v मतलब इसका आयतन, घन का आयतन, l क्यू हो जाएगा लंबाई का क्यू, भुजा का क्यू। तो b बराबर कितना, l क्यू। अब t के सापेक्ष अवकलन कर दो, बस हो गया काम। v का तो db ओवर dt, l क्यू का t के सापेक्ष कर रहे हैं तो एक तो 3l स्क्वायर होगा। अगर l के सापेक्ष कर रहे होते जब तो 3l स्क्वायर पे रुक जाते, अगर l के सापेक्ष हो रहा होता, पर ये किसके सापेक्ष है, t के, इसलिए l का t के सापेक्ष और लिखना पड़ेगा साइड में। आपके पास सारी चीजें उपलब्ध हैं भाई, 3 उपलब्ध है, ये 3 ही हुए। एल स्क्वायर 10 का स्क्वायर, डी एल ओवर डी टी 3, यहां से डी बी ओवर डी टी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक बात है। अब मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, ये छोटा सा है, बस एंट्री सी बता दी मैंने, ठीक है। ये और गीला, कौन सा किया था अभी हमने, क्वेश्चन नंबर 4 किया था। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ भाई, ठीक। तो देखो पांचवा क्वेश्चन, आपसे कह रहा है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, यानी कि गोले का आयतन क्षेत्रफल पर विचार करना, गोलाकार है ना, इसलिए पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। देखो क्या दे रखा है, 900 सेंटीमीटर क्यू, सेंटीमीटर क्यू का मतलब होता है आयतन, है ना, और पर सेकंड यानी आयतन में परिवर्तन की दर दे दिए, कितनी, डीबी ओवर डीटी, कितनी दे दिए, 900 सेंटीमीटर क्यू पर सेकंड। गुब्बारा गोलाकार गुब्बारा है ना, अच्छा आगे, गुब्बारे के त्रिज्या में परिवर्तन की दर ज्ञात करो,
यानी कि dr ओवर dt ज्ञात करवा रहा है, ठीक है। कब? जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर हो, जब r कितना हो 15 सेंटीमीटर हो, यानी कि dv ओवर dt दिया है और dr ओवर dt पूछा है, तो v और r में संबंध स्थापित करके और t के सापेक्ष अवकलन कर दो, ठीक है। तो v और r में, v तो गोले का आयतन है, r गोले की त्रिज्या है, तो जानते नहीं क्या बन क्या होगा 4/3 पाई r क्यू, t के सापेक्ष अवकलन कर दो तो dv ओवर dt बराबर 4/3 तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, आर क्यू का करो, आर क्यू का 3r2। अच्छा केवल आर के सापेक्ष होता जब तो 3r2 पे रुक जाती गाड़ी, पर ये टी के सापेक्ष है इसलिए 3r2 के बाद आर का और करना पड़ेगा डी आर ओवर डी टी। आप डी वी ओवर डी टी की वैल्यू 9 से रख देना, 3 से 3 काट देना, आर की वैल्यू 15 रख देना यहाँ पे और हल करके डी आर ओवर डी टी आ जाएगा। थोड़ी सी लैंग्वेज आया करेगी। माना किसी क्षण टी पर गुब्बारे का आयतन वी है तथा उसी क्षण त्रिज्या आर है, तब दिया है ऐसे, ठीक है, तथा लगा के और फिर तो ऐसे चल जाएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अच्छा छठवां भी सरल ही है वैसे तो, यहां साइड में करा देता हूं, ये तो पांचवा था ना, अब छठवां देख लो आप। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, यानी कि गोला समझना है ना, उसी का आयतन उसी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जानो पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² और आयतन 4/3πr³। तो एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का व्यास, गोले का जो व्यास है ना वो आपको दिया है, कितना है डी लिख देते हैं, डी से डायमीटर 3/2 2x+1। इसके आयतन में परिवर्तन की दर एक्स के सापेक्ष, लिख दिए स्पष्ट एक्स के सापेक्ष, आयतन में गोले का आयतन तो बी बराबर 4/3πr³ होता है। अब आपको त्रिज्या दिए तो आर तो आप निकाल सकते हैं, साइड में लिख दो, क्योंकि डी तो है 3/2 2x+1, ठीक है, ये अलग सवाल है यहां। तो आर कितना हो जाएगा फिर डायमीटर का आधा 3/4 और 2x+1, ठीक है। तो आर की ये वाली वैल्यू इसमें जमा देना आप, बी बराबर 4/3πr³, इसका क्यू तो 3 का क्यूब तो 27 आएगा भाई, 4 का क्यूब भी लिख देते हैं, दिमाग जोड़ना पड़ता काम का, और 2x+1 का क्यूब। थोड़ा मन काटने का आ रहा हो तो थोड़ा काट लो पहले, यानी b बराबर 9/16π और 2x+1 का क्यूब। x के सापेक्ष ही पूछा है, x के सापेक्ष ही पूछा है, तो x के सापेक्ष अवकलन कर दूं तो dv ओवर dx बराबर कितना 9/16π, इसका एक्स क्यू की भांति 3x² एक्स क्यू का अवकलन गुणा 2x+1 का कितना 2, ये 2 से 16 कट जाएगा 8 बार और 9 27
27 बटे 8 पाई और 2x प्लस 1 का स्क्वायर, यही आंसर रहेगा। ठीक है कि नहीं है? छठवा क्वेश्चन भी हो गया आपका, ये नोट कर लो, अगले पे चलते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए भाई, है ना। देखो आपको क्या दिया हुआ है, किसी वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन में कुल लागत cx से व्यक्त कर रहा है, और cx आपको दिया हुआ है यहां x इकाइयों, ठीक है, के उत्पादन की लागत, x इकाइयों के उत्पादन की लागत cx, ठीक है, कैसे दी हुई है देखो जरा, 0.005 एक्स क्यू माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस 30 एक्स प्लस 5000, ठीक है। कहा क्या है वो तो देख लेते हैं। ये तो आपको कुल उत्पादन दे रखा है, लागत दे रखी है, सॉरी कुल लागत। तब सीमांत लागत ज्ञात करनी है, तब क्या ज्ञात करना है भाई, सीमांत लागत, ठीक है। जब कब, जब वस्तु 3 इकाई उत्पादित करे, यानी कि जब x बराबर 3 हो। आगे भी सुनो शायद और कुछ भी कह रहा है। सीमांत लागत का अर्थ बताया इसने, किसी उत्पादन में संपूर्ण लागत में तत्कालिक परिवर्तन की दर। परिवर्तन की दर ही तो अवकलन होता है, तो अवकलन को ही सीमांत लागत कहा है, ठीक है। चूंकि सीमांत लागत, इसने लिख दिया है सीमांत लागत का अर्थ, परिवर्तन की दर लिखा है इसने, कुल सीमांत लागत यानी कि लागत में परिवर्तन की दर, और परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, अवकलन बोलते हैं। तो यानी कि डी सी एक्स अपॉन डी एक्स, एक तरीके से ओवर डी एक्स, सी एक्स में परिवर्तन की दर एक्स के सापेक्ष। लो कर दो फटाफट, इसका अवकलन आएगा इस जगह पे, तो 0.005 ये तो पहले से ही है, गुणा 3x² माइनस 0.02 गुणा 2x प्लस 30, ठीक है, ये तो अवकला जा गया। अच्छा, पर आपसे सीमांत लागत जब पूछिए, जब x का मान कितना हो, जब x बराबर 3, तो देखो x की जगह 3 रख दो, बस सरल है ना, 0.005 गुणा 3 और x की जगह 3 रख दिया, माइनस 0.02 गुणा 2 गुणा 3 प्लस 30। अब ये तो गुणा है भाई, जो तुम्हें भी करने हैं ना, 9 30 27 गुणा 5 पता नहीं कितने होते हैं, हल कर देना तुम, ठीक है। ये सीमांत लागत हो गया, नोट कर लो। ऐसा एक एग्जाम्पल और है कि नहीं है, एग्जाम्पल तो नहीं है पर क्वेश्चन नंबर 10वां है, तो इसे करने के बाद तुरंत क्वेश्चन नंबर 10 कर लें तो और शायद ठीक भी रहे, ठीक है। और बाकी इनकी प्रैक्टिस तो आपको करनी करनी है ना, ठीक है, नोट करो।
आठवें क्वेश्चन पर आ जाओ, है ना। एक साबुन के गोलीय बुलबुले की त्रिज्या 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से वृद्धि हो रही है। साबुन गोलाकार बुलबुला है तो आपको आयतन क्षेत्रफल सब किस पे विचार करना है, गोले के पे। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², ठीक है। देखते हैं क्या काम पड़ रहा है। साबुन के गोलीय बुलबुले की त्रिज्या में वृद्धि हो रही है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो अगर हम किसी क्षण माना किसी क्षण गोले का आयतन और त्रिज्या दोनों मान लेते हैं भाई, गोले का आयतन V तथा त्रिज्या R हो, ठीक है, तो त्रिज्या में परिवर्तन की दर, तब त्रिज्या में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष, अगर किसी के सापेक्ष नहीं कहता है ना तो समय के सापेक्ष माने, तो dr ओवर dt कितना दिया हुआ आपको 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन दर, आयतन मान लिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल और मानना चाहिए था, लिख देते हैं चलो। तब क्या पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह पूछ रहा है। साइड में बता दो एस क्या चीज है, जहां एस पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है। आगे देखो, जबकि बुलबुले की त्रिज्या कितनी हो, 7 सेंटीमीटर। अक्सर ये पूछता है तो लिखता है ना कि जब r बराबर क्या हो, 7 सेंटीमीटर हो, ठीक है। एक क्वेश्चन, आयतन में वृद्धि दर ज्ञात करो जब बुलबुले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो। देखो आपको त्रिज्या में परिवर्तन दर दे रखी है और दो चीजें पूछ रहा है, पहली पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन दर कब, जब r का मान 7 हो, दूसरी चीज और पूछ रहा है आयतन में परिवर्तन की दर, है ना, कब, जब त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो। दो क्वेश्चन पूछे हैं इसमें, है ना। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, इसमें दो चीजें पूछी है, एक तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में आयतन, सॉरी पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, और एक आयतन में परिवर्तन की दर। चलो इधर आते हैं, आपको एक बार तो S और R में संबंध स्थापित करके T के सापेक्ष अवकलन करना है, और एक बार B और R में संबंध स्थापित करके फिर T के सापेक्ष। पहला कर रहे हैं, पुनः लिख दिया मैंने और पहला कर रहे हैं, चूंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल S बराबर गोलाकार है 4πr², अब हमें ds ओवर dt चाहिए और dr ओवर dt दिया है, तो साफ ही महसूस हो रहा है कि t के सापेक्ष अवकलन करना है, तो कर दो टी के सापेक्ष अवकलन, ds ओवर dt बराबर 4π तो है ये 2r और dr ओवर dt, ठीक है। सब वैल्यू हैं तुम पे इनकी, 8πr कितना है, पहली केस में r का मान 7 रख दिया, गुणा dr ओवर dt कितना है 0.2 है, ये 0.7 मत सोचना, गुणाएं सब
ठीक है, 8π 4 2 8π गुणा आर का मान 7 और गुणा डी आर ओवर डी टी 0.2, जो भी आता है खुद कीजिएगा। दूसरा वाला भाग क्या पूछा है, आयतन में परिवर्तन की दर। हमें मालूम है कि गोला है ना, गोला, इसलिए गोले का आयतन b बराबर 4/3 πr³। ठीक है, अच्छा इसका भी t के सापेक्ष अवकलन करना है। आगे बढ़ा देता हूँ, नीचे जगह कम है इसलिए db ओवर dt, ठीक है, बराबर 4/3 π, ये तो कांस्टेंट है आर क्यू का टी के सापेक्ष, 3r² और डी आर ओवर डी टी। क्वेश्चन नंबर 2 में लगाओ, r दे रखा है 3, डी आर ओवर डी टी ऊपर से दे रखा है, बस वैल्यू पुट करनी है और डी बी ओवर डी टी आ जाएगा। ठीक है, करो नोट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ भाई, ना नवा आपको दे रखा है, एक नली में 12 cm³, सेंटीमीटर पे क्यूब है, इसका मतलब आयतन है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, यानी कि आयतन में परिवर्तन की दर है ना, से बालू उड़ेली जा रही है, उड़ेली गई बालू से एक शंकु का निर्माण इस प्रकार होता है। अपन यो रेत पटकते हैं तो वो शंकुनुमाई तो जमीन पर बनती है, बहुत सारे रेत आप पटको हाथ से यूं धीरे धीरे शंकुनुमाई आकृति लेती है रेत जमीन पर। तो मान लो रेत गिरी ऐसे ऊपर से, तो कैसी आकृति लेगी, शंकुनुमा। ठीक, अच्छा इसके आयतन में परिवर्तन दर आपको दे रखा है 12 cm³/s। अगर पहले से ही संग संग लिखना चाहें, चाहे एक बार यहाँ इसके चित्र के नीचे लिख दो तुम, तो डी बी ओवर डी टी कितना दे रखा है, 12 cm³/s, चित्र के नीचे लिख देते हैं, सूचना है समरी टाइप में। उड़ेली गई बालू से एक शंकु का निर्माण इस प्रकार होता है कि शंकु की जो ऊंचाई है h है ना, आधार की त्रिज्या का 1/6 रहती है, आधार की त्रिज्या r और ऊंचाई h, तो ऊंचाई h जो है वो आधार की त्रिज्या का 1/6 भाग रहती है, ये भी नोटिस में अपने। ठीक, बालू के शंकु की ऊंचाई में किस दर से वृद्धि हो रही है, एच में। ठीक है, तो डी एच ओवर डी टी पूछ रहा है ना, ऊंचाई में किस दर से वृद्धि हो रही है, जब ऊंचाई कितनी हो, 4 cm हो, ये शर्त तो लिखता ही है हर बार, यानी जब h बराबर कितना हो, 4 cm। ठीक है, चलो ये जो मानी हुई राशियां हैं इनको लिख देते हैं थोड़ा सा पहले, क्या माना किसी क्षण t पर, ऐसे लिखेंगे है ना, माना किसी क्षण टी पर, माना किसी क्षण टी पर रेत के बने शंकु की आयतन, ऊंचाई, त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई का काम और पड़ेगा, सारी चीजें मान देता हूं। माना किसी क्षण टी पर रेत से बने शंकु, रेत से बने शंकु, ठीक है, कि ऊंचाई या आयतन, शंकु का आयतन v
ऊंचाई h, त्रिज्या r एवं तिर्यक ऊंचाई और मान लो काम पड़ता है आयतन में, ध्यान है क्या, एक बट तीन पाई आर स्क्वायर एच नहीं पड़ेगा शायद, देखते हैं लिख लेते हैं, ऊंचाई त्रिज्या तथा नहीं पड़ रहा है वैसे काम शायद, तिर्यक ऊंचाई एल है, डीवी ओवर डीटी पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है, डीवी ओवर डीटी दिया है और डीएच ओवर डीटी पूछ रहा है, हर संभव प्रयास करना है बी और एच में संबंध स्थापित करने का, तो बी और एच इसका आयतन मालूम नहीं हमें, मालूम है बी बराबर एक बटे तीन पाई आर स्क्वायर एच, अब डी एच ओवर डी टी चाहिए ना, तो एच ही एच होना चाहिए यहाँ के सब, आर और है आर को का कर जाए, देखो ना यहाँ से आर बराबर सिक्स एच हो जाएगा ना, साइड में चूंकि का चिन्ह लगा दो, चूंकि एच बराबर आर बाई सिक्स तो आर बराबर सिक्स एच रख दो इसमें, बी बराबर पाई बटे तीन सिक्स एच का स्क्वायर इन टू एच, बी बराबर देखो छत्तीस बटे तीन बारह पाई एच क्यू हो गया, अब भाई डी एच ओवर डी टी पूछा है, डी बी ओवर डी टी दिया है, समझ जाओ टी के सापेक्ष अवकलन करना है, तो टी के सापेक्ष अवकलन, v का तो डी बी ओवर डी टी और यहाँ बारह पाई एच क्यू का थ्री एच स्क्वायर और डी एच ओवर डी टी, भाई खुद कर लेना, डी बी ओवर डी टी की वैल्यू तो रख देना कितनी बारह, बारह रख देना, ये बारह पाई ये तीन हो जाएगा और h का मान चार है नीचे, तब डी एच ओवर डी टी का मान आ जाएगा, इस तरीके से आपकी 8.1 कंप्लीट हो गई है ना। दसवां जो क्वेश्चन है सीमांत आय मतलब अवकलन ही है ना, दसवां और सातवां क्वेश्चन एक समान है, ठीक बात है, तो ये तो आपकी 8.1 कंप्लीट हो गई है, अब मैं 8.2 में प्रवेश कर रहा हूं, नोट कर लो, तो मैं ध्यान हो तो आठवां जो चैप्टर है इसमें चैप्टर का नाम तो है अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स बोलते हैं ना, अच्छा एक्सरसाइज वाइज एक्सरसाइज अवकलन क्या क्या उपयोग आता है ये बताया जा रहा है, तो 8.1 में बताया गया है कि परिवर्तन की दर अगर कहीं देखनी हो तो वो अवकलन करके देखी जा सकती है, 8.2 के अंदर फलन वर्धमान यानी कि उसका ग्राफ बढ़ता हुआ है या फलन ह्रासमान ग्राफ घटता हुआ है ये पता करना बिना ग्राफ खींचे अवकलन की हेल्प से, अगर फलन का ग्राफ ही खींच देंगे वो तो चित्र में महसूस हो जाएगा बढ़ रहा है घट रहा है, बिना ग्राफ खींचे ये पता करना कि इसका ग्राफ बढ़ता हुआ आएगा कि गिरता हुआ आएगा, समझ गए अवकलन की सहायता से, ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में वर्धमान फलन और ह्रासमान फलन यानी फलन की टाइपें दो, तो हमें चेक करना है फलन वर्धमान है के ह्रासमान, ठीक है, अच्छा कई फलन कुछ देर वर्धमान बढ़ता हुआ होता है फिर घटता हुआ होता है, साइन एक्स का ध्यान है यूं 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 आता यूं आता ही नहीं आता यूं, कभी बढ़ता है कभी घटता है कभी बढ़ता है, तो ऐसे भी होते हैं कुछ देर बढ़ते हैं तो
कुछ देर समय नहीं, कहाँ से कहाँ x कहाँ से कहाँ तक, x बराबर एक से x बराबर तीन तक वृद्धि हुई है, फिर तीन से पाँच तक घटा है, ऐसे भी विश्लेषण करेंगे। क्या है एक्सरसाइज में, फलन वर्धमान है या ह्रासमान है, एक नंबर। फिर थोड़ा और अंदर घुसें तो कितने अंतराल के लिए तो वर्धमान है और कितने अंतराल के लिए ह्रासमान है, फिर अंदर घुसने पे ये मालूम करना। तो कुल मिला के है नाम वर्धमान और ह्रासमान फलन, है ना। तो वर्धमान फलन मतलब x का मान बढ़ाएं तो एफ एक्स का मान भी बढ़े। वर्धमान जो फलन है किसको बोलेंगे, x का मान बढ़ाने पर एफ एक्स, और एफ एक्स को अपन y बोलते हैं ना भाई, और y को क्या बोलते हैं, ऊंचाई, यानी ग्राफ की ऊंचाई बढ़े। x का मान बढ़ाने पर एफ एक्स या y बढ़े, y बढ़ने का मतलब है ग्राफ की ऊंचाई बढ़ना, ठीक है। और ह्रासमान फलन किसको बोलेंगे हम, x का मान बढ़ रहा है मतलब यूं चल रहे हैं और ऊंचाई गिरती जा रही है, ठीक है। x का मान बढ़े या x का मान बढ़ने के साथ जो फलन का मान है यानी एफ एक्स, और एफ एक्स को अपन क्या बोलते हैं y, और y ही क्या होती है ग्राफ में ऊंचाई, यानी ऊंचाई घटे। x का मान बढ़ने के साथ एफ एक्स या y घटे, अपने शब्दों में आ गया, वो फलन कौन सा होगा, ह्रासमान फलन। चित्र बता देता हूं हल्का सा, वर्धमान फलन देखो ये रहा, जिसका ग्राफ बढ़ रहा है, देखो जैसे यहां x बराबर मान लो एक है, ये दो है, ये तीन है, तो x का मान बढ़ रहा है ना, और देखो ऊंचाई, ये ऊंचाई है संगत, ये बढ़ रही है ना ऊंचाइयां, ग्राफ बढ़ी तो रहा है ना, वैसे महसूस हो रहा है। यूं बढ़ने को बढ़ना नहीं कहेंगे, ऊंचाई को बढ़ने, अगर ग्राफ की ऊंचाई बढ़ रही है ना तो फलन का मान बढ़ रहा है, फलन मतलब एफ एक्स, और एफ एक्स मतलब बाई, और बाई मतलब ऊंचाई, एफ एक्स मतलब बाई और बाई मतलब ऊंचाई, ऊंचाई बढ़ रही है तो बाई बढ़ रहा है, बाई बढ़ रहा है तो एफ एक्स बढ़ रहा है, एफ एक्स मतलब फलन का मान, ठीक है। तो फलन का मान बढ़ना कब माना जाएगा, जब ग्राफ की ऊंचाई बढ़े, यूं नहीं, इसको बढ़ने को, इधर भी तो बढ़ रहा है ये, इस बढ़ने को फलन का मान बढ़ना नहीं माना जाएगा, क्यों, फलन तो होता है बाई और बाई होती है ऊंचाई, तो फलन का मान बढ़ना माना जाएगा ऊंचाई के बढ़ने को, ठीक है। इसकी ऊंचाई बढ़ रही है, देखो ये वर्धमान फलन है। अच्छा ह्रासमान फलन देखो, यहां x बराबर मान लो एक हो, यहां मान लो x बराबर दो हो, और ये मान लो तीन हो। x बराबर एक का मतलब देखो यहां से यहां तक है एक, ये पता नहीं कितना होगा इसका संख्यात्मक मान। x बराबर दो का मतलब यहां से यहां तक, तुम सोचें ये है दो ना, दो ये है, ये तो बाई होता है, वैसे लिखा नहीं मैंने, जन कितना होगा वो तो फलन पर निर्भर करेगा, ये तो अंदाजे से लिए मैंने। x बराबर तीन इस यहाँ से यहाँ तक दूरी मानी जाएगी, और उसके संगत ऊंचाई ये रही कम है, ठीक है। तो पहले पहले ज़्यादा है ऊंचाई, ऊंचाई मतलब बाई और बाई मतलब फलन, फलन का मान, पहले पहले फलन का मान ज़्यादा है, फिर और कम है ऊंचाई मतलब फलन का मान और कम है, फिर और कम है। तो x बढ़ रहा है, एक्स तो इधर बढ़ता ही है,
उसके संगत ऊंचाई, ऊंचाई मतलब बाई, और बाई मतलब एफ एक्स, घट रहा है, ठीक है। तो एक्स के मान के साथ एफ एक्स का मान घट रहा है, तो ये किसका ग्राफ है? हासमान फलन का। ये मोटे तौर पे हो गया। अब इसमें आप और अंदर प्रवेश करेंगे, थोड़ा विश्लेषण करेंगे, तो इसमें कुछ शर्तें उत्पन्न होंगी ग्राफ में, ठीक है। तो अभी तो आप ये नोट करो केवल चित्र, इसको मिटा के अगले स्टेप में इसमें और थोड़ा विश्लेषण करेंगे, वर्धमान फलन के ग्राफ में और आसमान फलन के ग्राफ में। यहां देखो x बराबर एक से तीन तक ये आसमान है, तो अंतराल हो गया एक से तीन। इसको यूं लिखा जा सकता है कि x बिलोंग्स टू वन से थ्री में कैसा ये आसमान, ठीक है। और ये x बिलोंग्स टू वन कोमा थ्री में कैसा है? वर्धमान, है ना। तो ये आप नोट कर लो, हम अगले स्टेप पर चलते हैं। अब एक टर्मिनोलॉजी आएगी, वर्धमान और निरंतर वर्धमान। अच्छा, वर्धमान फलन को इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, इंक्रीजिंग, है ना। एक कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं ना, निरंतर को कंटिन्यूस या स्ट्रिक्टली। तो इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वर्धमान, निरंतर वर्धमान। ऐसे आसमान, आसमान को डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं ना, और निरंतर आसमान स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो अभी तो मोटे तौर पर वर्धमान और आसमान पढ़ा, अब थोड़ा अंदर प्रवेश कर रहे हैं, थोड़ा और विश्लेषण कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं इसका। तो एक टर्म आ रही है वर्धमान या निरंतर वर्धमान, वर्धमान या निरंतर वर्धमान। तो देखो, मैं पहले निरंतर वर्धमान का डायग्राम बनाता हूं। वैसे तो आपको नाम से ही फील नहीं हो रहा क्या, जिसका ग्राफ निरंतर बढ़ता रहे, ठीक है। यही लिख देता हूं कथन इसमें, जिसका ग्राफ निरंतर बढ़े, बीच में कहीं भी रुके नहीं, जैसे यूं ग्राफ चला और थोड़ी देर बराबर वैल्यू रही और फिर चला, ठीक है। तो देखो बड़ा है, यहां उतना ही मान रहा है थोड़ी देर के लिए या कुछ अंतराल के लिए, और फिर वापस से बढ़ गया, ठीक। जैसे मान लो यहां x बराबर a है और यहां x बराबर b है, सेम x बराबर a है और x बराबर b है, ये निरंतर वर्धमान नहीं है, यह है निरंतर वर्धमान नहीं है। तो हमें चित्र में महसूस नहीं हो रहा निरंतर कहां बढ़ रहा है, थोड़ी देर कांस्टेंट है ना, फलन का मान नहीं बढ़ रहा, फलन मतलब एफ एक्स मतलब बाई, और बाई मतलब यों ऊंचाई, तो हर समय ऊंचाई कहां बढ़ रही है, यहां ऊंचाई बराबर चली रह गई ना कुछ देर के लिए, तो निरंतर ऊंचाई नहीं बढ़ी, ऊंचाई ही तो बाई और बाई ही तो एफ एक्स, तो निरंतर एफ एक्स का मान नहीं बढ़ा, तो ये निरंतर वर्धमान नहीं कहलाएगा। तो यह है निरंतर वर्धमान नहीं कहलाएगा, ठीक है कि नहीं है। अच्छा, ये निरंतर बढ़ रहा है, एक बात ध्यान रखना, निरंतर वर्धमान वर्धमान तो है ही है, पर वर्धमान को निरंतर कहा जाए ये आवश्यक नहीं है, ये दोनों वर्धमान माने जाएंगे, दोनों निरंतर वर्धमान नहीं माने जाएंगे, साफ है दिमाग में।
भाई निरंतर वर्धमान पीछे क्या लग रहा है, वर्धमान वर्धमान तो है ही है, ठीक है, ये निरंतर वर्धमान नहीं है, यानी यूं कहा जाएगा एक्स बिलोंग्स टू ए बी में ये निरंतर वर्धमान नहीं है, निरंतर वर्धमान नहीं है। तो क्या है फिर, एक्स बिलोंग्स टू ए बी में वर्धमान है, वर्धमान तो कहेंगे, ये एक्स बिलोंग्स टू ए बी में कैसा है, निरंतर वर्धमान है, ठीक है कि नहीं है। अच्छा अब आ जाओ ह्रासमान और निरंतर ह्रासमान में, सेम इसी तरीके का अंतर रहेगा। टॉपिक इनके थोड़े चित्र जोश में ज्यादा बना दिए मैंने, बड़े ह्रासमान या निरंतर ह्रासमान दोनों बातें पढ़ते हैं, मुझे लगता है या नहीं आएगा तथा है ना चाहिए, या का मतलब तो एक ही बात होती है कि जाने। ह्रासमान तथा निरंतर ह्रासमान, तो देखो सेम एक्स का मान निरंतर घट रहा है, यहां मान लो एक्स बराबर ए है और यहां मान लो एक्स बराबर बी है, तो यहां देखो x का मान निरंतर, x का मान नहीं सॉरी, उसमें x का मान तो नहीं लिख दिया, नहीं लिखा, फलन का मान निरंतर घट रहा है, ठीक है, फलन का मान निरंतर घट रहा है ना, तो यह एक्स बिलोंग्स टू ए बी में निरंतर ह्रासमान है, ठीक है। अच्छा अब देखो मान लो ग्राफ घट रहा है और थोड़ी देर कांस्टेंट आ जाए और फिर घट रहा है जैसे इसमें था, तो ये निरंतर नहीं घट रहा है ना, यहां इस चित्र में एफ एक्स का मान या फलन का मान निरंतर नहीं घट रहा है, यहां एफ एक्स का मान निरंतर नहीं घट रहा है, निरंतर कहां घट रहा है, ठीक है, तो यह केवल यहां अगर मैं एक्स बराबर ए मानूं और यहां एक्स बराबर बी मानूं तो यह फलन किस अंतराल में, एक्स बिलोंग्स टू ए बी में केवल ह्रासमान माना जाएगा, केवल ह्रासमान है, ठीक है, निरंतर ह्रासमान नहीं है। अब एक स्थिति और बता रहे हैं, ह्रासमान और वर्धमान पूरी तरह से ना तो ह्रासमान होता है ना वर्धमान होता है, देखते हैं, ये नोट करो आप, पहले अपन ने वर्धमान और निरंतर वर्धमान में अंतर समझ लिया, ह्रासमान और निरंतर ह्रासमान में अंतर समझ लिया। अब कुछ फलन ऐसे होते हैं जो दिए अंतराल में है, ना ही तो पूरी तरह वर्धमान होते हैं और ना ही पूरी तरह ह्रासमान होते हैं, ठीक है। तीसरा प्रकार अंतराल हरवाल में लेतर होता था ए से बी तक, अंतराल ए बी में ना वर्धमान
और ना आसमान, ठीक है। यानी कि जैसे मान लो किसी का ग्राफ यूं आ गया और यहां x बराबर a है, ये डैश डैश करता हूं, ये a नहीं होता है, a तो मूल बिंदु से यहां तक की दूरी होती है, वो तो मैं केवल कैसे रुक गया, यहां से यहां तक a होता है, ये तो बाई होता है ना। अच्छा रुक तो नहीं गया, चल रहा है, ठीक। एक्स बराबर बी, यहां तो ए से बी तक देखें इस अंतराल में कुछ देर तो बढ़ा है और कुछ देर घटा है। यहां दिख रहा है अंतराल ए बी में, है ना भाई, फलन वर्धमान भी है, तथा ह्रासमान भी है, दोनों ही प्रवृत्ति आ गई बीच में, ठीक। तो आप छोटे ब्रैकेट लिया करना, है ना, बीच बीच में देखते हैं हम केवल। तो हम कह सकते हैं ए बी में ना तो पूर्णतया वर्धमान और ना ही पूर्णतया ह्रासमान, अतः एक्स बिलोंग्स टू ए बी में ना तो पूर्णतया वर्धमान और ना पूर्णतया ह्रासमान, ठीक है। ए से बी में पूर्णतया वर्धमान नहीं माना जाएगा, पूर्णतया ह्रासमान, कुछ देर वर्धमान है और कुछ देर ह्रासमान है, ठीक है। तो आपसे क्या करेगा, अंतराल पूछा करेगा, और कभी अंतराल देगा तो फलन के बारे में पूछेगा, वर्धमान है कि ह्रासमान है। ये अंतराल ए बी में लिख रहा है ना, साफ नहीं आया शायद मुझे, अंतराल ए बी में, यहां अंतराल ए बी में, ठीक है। फलन वर्धमान तथा ह्रासमान है, दोनों प्रवृत्ति हैं। देखो जैसे एग्जाम्पल वाई बराबर साइन एक्स का जो ग्राफ है, सब जानते हैं कैसा आता है, यूं इस जगह x का मान 0, इस जगह x का मान पाई बाई 2, कहां इस जगह बीच में, इस जगह x का मान पाई, यहां 3 पाई बाई 2, यहां 2 पाई। तो 0 से पाई के केस में देखें तो x बिलोंग्स टू 0, पाई में ना तो पूर्णतया वर्धमान और ना पूर्णतया ह्रासमान, ठीक है। 0 से पाई में ना तो पूर्णतया वर्धमान है ये और ना ही पूर्णतया आसमान है। हाँ, 0 से π/2 तक तो वर्धमान कह सकते हैं और π/2 से पाई तक इसको आसमान कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने केवल ये बताया है वर्धमान फलन कैसा है, आसमान कैसा है, निरंतर वर्धमान कैसा है, निरंतर आसमान कैसा है, और ना पूर्णतया वर्धमान आसमान कैसा है। चैप्टर का नाम है अवकलज के अनुप्रयोग। ये तो ग्राफ से पता चला है, अगर ग्राफ नहीं खींचें तो ये सारी चीजें जो अपन ने वर्धमान और निरंतर वर्धमान ग्राफ में देखी हैं, बिना ग्राफ के अवकलन की सहायता से ज्ञात करेंगे हम फलन का वर्धमान होना या ह्रासमान होना, ठीक है। पर आज की क्लास में केवल इतने बता रहा हूं मैं, कल जब ये चैप्टर के
आगे बढ़ाऊं मैं इसको, थोड़ा सा आप चैप्टर पढ़ने से पहले इसको देख लिया करो। मतलब आपको क्या करना है, जब भी क्लास लें सुबह, तो हल्का सा आपकी कॉपी में तो लिखा रहता ही है, हल्का सा पिछले कल का आप एक बार नज़र फेर लिया करो, ताकि लिंक हो जाए। ठीक है, पिछला देख लिया करो और फिर इसको पढ़ा करो, फिर इसकी प्रैक्टिस शाम को और कर लिया करो एक बार। दिन में पढ़ोगे सुबह तक, इसको नोटबुक उतारोगे और फिर शाम को और प्रैक्टिस कर लो। फिर अगले दिन थोड़ा जल्दी जगो, एक घंटा पहले वीडियो डलने से, एक घंटा पहले, एक घंटे में तीनों विषयों का वापस से फेर लो और फिर पढ़ो, या वीडियो से पहले जस्ट पढ़ो, कैसे कर लो, कुल मिला के पिछला लिंक करते हुए चलो। ठीक है, और प्रैक्टिस करो फिर उसकी, आज वाले की शाम को प्रैक्टिस करो। ठीक है, अभी आपके पास 8.1 है, उसको कर लेना ढंग से, बाकी क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। 8.2 की थ्योरी थ्योरी लिख लेना, क्वेश्चन हम इसके कल करेंगे। ठीक।